हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजा ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर लें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज मैं बात करूँगी करवा चौथ 2022 के बारे में। करवा चौथ का व्रत से पहले गर्भवती महिलाएँ इन बातों का जरूर रखें ध्यान। करवा चौथ व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजन करने के बाद चांद और पति को छलनी में से देखने के बाद जल ग्रहण करती हैं। व्रत से पहले गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। व्रत के दिन भर भूखे प्यासे रहने पर आपको कोई भी परेशानी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास रखना न रखना उनकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो करवा चौथ का व्रत ना करें। इससे आपके साथ बच्चे को भी परेशानी नहीं हो सकती है। फिर भी आप व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन व्रत करने से पहले एक बार इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, डॉक्टर से सलाह लें। ऐसा किसी भी रिसर्च में साबित नहीं हुआ है कि गर्भावस्था में व्रत करना बच्चे के लिए हानिकारक होता है, लेकिन करवा चौथ ऐसा व्रत है जिसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ली जा सकती है, जो शरीर में पानी की कमी कर देती है, जिससे बच्चा असहज हो सकता है और उससे सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। दूसरा है, सर्गी के दौरान ऐसा भोजन ले जो जल्दी ना पचे। भोजन के बाद एक बड़ा ग्लास दूध जरूर लें। तीसरा है, निर्जला उपवास ना करें, नियमित जल ग्रहण करें। चौथा है, अगर शरीर में कमजोरी हो तो नियमित अंतराल से फलों और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करें ताकि माँ एवं शिशु को ग्लूकोज आवश्यक तत्वों की कमी न हो। वह है, व्रत उपरांत सरलता से पचने वाले भोजन ही ग्रहण करें व अति गरिष्ठ भोजन से बचें। छठा है, व्रत की अवधि में कमजोरी, चक्कर या बेहोशी के कारण गिरने का भय बना रहता है। तो गर्भवती महिलाएं जो इस बार करवा चौथ कर रही हैं वो ये इन बातों का खास ध्यान जरूर रखें अपने और अपने बच्चे के लिए। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छोटा सा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।